Thank you, everyone. Thank you. Assalamu alaikum and thank you everyone for being here. Sorry. Eid Mubarak to everybody. Thank you so much. And sorry, hum amuman ghar mein rakhte hain lekin wo barish ho gayi. To sab ghaas mein sab keechad hai to aapki sab sundar dresses kharab ho jati ladkiyon ki. To isliye yahan pe aaj humne khana rakha hai. But bahut bahut shukriya aap sab yahan par aaye aur aaj ke din bhi har din bhi hamesha ke liye aap logo ko bahut khushhali mil. And you remain healthy and happy. Thank you very much for being here. Thank you. कितनी खास है ये वाली 2017 की? एक्चुअली यार हर मौका चाहे दिवाली हो ईद हो जो भी हो साथ में मिलने का जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. हम तो घर में सिर्फ दुआ करते हैं और ऐसे कपड़े पहनाते हैं. पहली बार मेरे बच्चे ऐसे कपड़े पहनते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और आखिरी बारी उस दिन बाद में नहीं पहनते. बट हैविंग सेड दैट ऑल्सो आई बीन वर्किंग फॉर 25 ईयर्स सो इट्स इवन मोस्ट स्पेशल दैट आज के दिन सब कुछ है. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वर्किंग. शाहरुख बॉलीवुड में 25 साल हो गए आपको क्या कहना चाहेंगे इसलिए भी ये ईद खास होने वाली है आपके लिए? I think मुझे कल मालूम परसों मालूम पड़ा कि 25 साल हो गए. मुझे अभी भी पूरा कैलकुलेशन नहीं मालूम है किस हिसाब से 25 साल हुए. मुझे ऐसा लगता है 26 या 27 हो गए. बट इट फील्स वेरी गुड यार आधी ज़िंदगी निकल गई. आई बी 52 दिस ईयर सो हाफ माई एज इज़ गॉन. मैं ये सर्विस कर रहा हूँ कि एक्टिंग कर रहा हूँ और अपने लिए भी की मैंने बहुत अपने लिए भी बहुत नाम कमाया खुशी कमाई और फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा काम करता रहा हूँ कि लोग उस काम से खुश हों. सो 25 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम यार. I was sitting with my family the other day and I was discussing and that's half my lifetime. So it's a lot of good wishes and I can only thank people. Sirf main shukrguzar ho sakta hu sabka ki itne saalon tak mujhko bear kiya hai aur itne pyar se bear kiya hai aur itni khushi se bear kiya hai. So thank you everyone and I'm really really grateful. Thank you to you also Shahrukh because you remember every year aap hamesha yaad karte media pe. In fact like Eid ke din we are also very eager every time. Yaar mujhe samajh nahi aata amuman घर में अगर हम ईद का कोई फंक्शन रखें या दिवाली का रखें तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाती. फिर वो सारा दिन जो है रात भर उसमें काम लग जाता है. मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं आप लोगों से सबसे ज़्यादा मिलता हूँ. सो ईद के मौके पर या हर मौके पर ऐसा कहा जाता है कि जिनके साथ सबसे ज़्यादा दोस्ती हो उसको मिलो तो बेहतर है. सो इट्स वेरी नाइस टू मीट ऑल ऑफ़ यू. एंड वन लिटिल रिक्वेस्ट यार वो जब फोटोग्राफर्स है ना अपने यार वो बच्चों की तस्वीर लो थोड़ा प्यार से लो यार. एक दो फोटो लेके छोड़ दिया करो उनको यार प्लीज. हाँ यार इट्स रियली ब्यूटीफुल. आई डोंट नो इफ आई वुड एवर हैव अ यू नो नॉर्मली ऑन अ वीकेंड और समथिंग व्हेन माय सन टेल्स मी पीपल्स हैव कलेक्टेड बच्चा लोग सिर्फ कम तो मैं बाहर जाके वेव करता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है. और मुझे मालूम पड़ता है अभी सोशल मीडिया के थ्रू कि लोग जो हैं अलग अलग शहरों से आते हैं जस्ट टू विश मी एंड आई वांट टू थैंक देम ऑल. मुझको बिकॉज वो ऑर्गेनाइज नहीं है सबसे मिला नहीं जाता बट आई एम रियली टच्ड बाय कि इतने लोग हर सालों से घर के बाहर आते हैं. ऑफकोर्स मुझे माफ़ी भी मांगनी चाहिए नेबर्स से और ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए रुक जाता है तो मुझे मालूम है गुस्सा हो जाते हैं लोग बड़ा हॉर्न वॉर्न बजाते हैं गाड़ी का. आई एम रियली सॉरी अबाउट इट बट आई विश आप लोग दुआ करें कि मेरे घर में गार्डन इतना बड़ा हो जाए कि सबको अंदर समा सकूँ. कुछ तो समझता है मुझे ही नहीं पता क्या समझता है. उसको लगता होगा यार लोग तो पैसे मांगने आ रहे हैं वापस. मैं एक्चुअली मेरे पास ना एक टॉय रूम है अब्राम का जिसमें बहुत सारे टॉयज़ हैं हंड्रेड्स ऑफ टॉयज़. तो मैं हर एक्चुअली उसके लिए हर दिन ईद होती है यार. मैं हर रोज़ को एक नया टॉय निकाल के उसको देता हूँ विद माय डॉटर एंड सन. फॉर्चुनेटली इस साल वो यहाँ पर हैं दोनों आए हुए हैं स्कूल से. सो आई थिंक वील जस्ट सिट टुगेदर एंड चैट एंड मैं कोशिश करूँगा उनके लिए खाना बनाऊँ आज. अभी मैं सोच रहा हूँ ऐसा अगर वक्त मिलेगा तो खाना बनाता हूँ उनके लिए. तो आपने कोई स्पेशल मेन्यू डिसाइड किया? नहीं मुझे पास्ता ही बनाना आता है थोड़ा सा बस इटालियन. ज़्यादा चीज़ें आती नहीं मुझे. मेरा मेन्यू एक दो चीज़ें ही हैं तो मैं कोशिश करूँगा अगर बन गई तो. एक बार बनाया था मैंने घर में अभी रिसेंटली. अभी मैंने पूरा कभी बनाया नहीं है ऐसे. एक बार बनाया था तो मेरी बेटी ने कहा ठीक ठाक बन गया तो अभी सेकंड टाइम बनाऊंगा.
फिर यू वेरी क्लोज टू योर डैड मॉम एक्चुअली, और कुछ यादें आपने कई बार शेयर भी की हैं एक्चुअली डैड के साथ, यू यूज्ड टू गो फॉर प्रेयर, सो कभी ऐसी कुछ चीज़ जो आप इब्राहिम के लिए यू नो लाइक यू जस्ट ट्राइंग टू फॉलो योर डैड एंड वही चीज़ आगे यू आर टेकिंग इट फॉरवर्ड. आई थिंक आई ट्रूली बिलीव जितनी भी हाउ डू यू से ट्रेडिशंस होते हैं, रिलीजन होते हैं, बड़ा पर्सनल मामला है यार. आई थिंक चिल्ड्रन, ग्रोन अप्स, एवरीबडी शुड बी लेफ्ट टू लर्न इट देमसेल्व्स. हालांकि हमारे माँ बाप ने हमको हर चीज़ से इंट्रोड्यूस ज़रूर करा दिया. सो मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ पे इट वॉज़ रेफ्यूजी कॉलोनी, तो मैं रामलीला में भी जाता था तो मेरे बाप उतने ही खुश थे, हम ईद के लिए भी जाते थे तो बाप उतने ही खुश थे. एंड देन यू लर्न एंड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड लव ईच अदर बिकॉज यू लर्न ईच अदर्स रिलीजन ऑन योर ओन. सो आई होप माई चिल्ड्रन डू द सेम. तो मेरी यादें भी यही हैं उनके लिए, मेरी सोच भी यही है. कभी रात को बैठ के मैं, अभी रिसेंटली मैं पिछले डेढ़ साल से मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ बिकॉज आई लव द स्टोरीज इन इट. तो वो भी मैं अब राम को सुनाता हूँ, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ टू मेक इट मोर एक्साइटिंग फॉर हिम. सिमिलरली जो किस्से कहानियाँ मुझे मालूम है इस्लाम के वो भी मैं उनको बताता हूँ. बट आई टेल देम माई स्टोरीज एंड आई होप दे लर्न ऑल द रिलीजन्स ऑन देयर ओन एंड रिस्पेक्ट इट एंड एंजॉय द फैक्ट दैट देयर ट्रेडिशंस एंड ब्यूटी देयर व्हिच नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड लव्ड.